तो नमस्कार जय राम जी की साखियों थे सारा सुबह सुबह ही राम राम थान सारा ने। और आज मैं जान लाग रही हम बीन चबाइल है और सिंपली जान लाग रही है मैं जाऊँ मेरा बड़ा भाई जी जावे मेरा मम्मी जी जावे और मेरा दादी जी जा सी। तो पहला तो मैं कैंसिल कर दियो जानो तो फिर मम्मी जी और कह चाला कह तेन भी बावा टाइम हो गया धोख कौन लगा गए हो तो मम्मी कह बोलेड़ी भी है तेरी धोख है तो ये वास्ते मैं जान लाग रही हूँ अभी तैयार हो गयो। रात तो मम्मी जी ने कहो मैं सुबह बताऊंगा क्यों काम ज्यादा हो थोड़ो होली पर होली का दो ही दिन रहे है तो थर वास्ते वीडियो वगैरह बस तैयार करने लाग रहा। तो फिर मम्मी जी का कोई नहीं कह चाल एक दिन में की कोई नहीं हुआ तो फिर अब मैं जान लाग रही हूँ तैयार हो गयो पहला तो मैं कैंसिल कर दियो तो चलो थाने चिंपा बहन दिखाऊँ मैं ना लीबा दो दो तौलिया बन ले पेट रखे है और अब थोड़ी देर बाद मैं नहा लूंगा। हाँ देखो राम राम तो कर दिया ना किन्ने जान लग रही है बिंद पहले दवा तो मावड़ी दी रहना मंदिर है बिंद पहले। हाँ तो ए ओ के तरीको है तेरे दो दो तौलिया नाश करे तू ठीक कौन करे दोनों गिला कर दिया। तो चिंपा भाई होगी तैयार ना लिया तो मैं हो जाऊँ तैयार तो बने रहियो ब्लॉग में। अब तैयार होने के बाद में दिखा जाए थाने मम्मी जी जावे मैं जाऊँ मेरा बड़ा भाई जी जावे रामचंद्र भाई जी चिंपा का पापा और मेरा दादी जी जासी तो ठीक है साहब बने रहियो ब्लॉग में। तो जी मैं हो गयो अब ना गए तैयार और इन्हें देखो मेरा दादी जी भी आ गया तैयार हो गए देखो गेट खोलेगा मैं देखो मेरा दादी जी भी आ गया तो राम राम बाबू राम राम तो मेरे दादी जी की राम राम तो थाने भी सारा दादी जी की राम राम। दादी जी भी तैयार हो गया आ गया और चिंपली भी हो गई मैं लगा चिंपली ए चिंपली अभी तैयार हो गई पढ़ने लग रही है पढ़ेसरी बन गई अभी थी देर में अच्छा यहाँ के तो चिंपली होगी तैयार और मम्मी जी और भी तैयार हो गया और बिना भाई जी थोड़ा गाड़ी वगैरह कपड़ों मारन लग रहे हैं। तो जी अभी मैं जान लाग रहा चिंपा की मम्मी जावे प्रतिज्ञा की मम्मी और मेरा बड़ा भाई जी जावे मैं जाऊँ मेरा मम्मी जी जावे बैठे गाड़ी में और रजत चिंपली को भाई रजत है और परला गुरु जासी दादी जी थी देर आया तो वन थोड़ा सा काम हो गया तो वापिस उड़ गया तो परला गुरु माने ले लेंगे फिर भी हमारे सागे जासी। तो जी देखो गौरी जी मारी दासी फॉर्चुनर है ठीक है गौरियो ठीक है गौरी आंगेरे मकान घर का लेने लग रही है काम चलने लग रही है तो है मैं जाऊँ रामचंद्र जावे सिंपली जावे मम्मी जी जावे बाबी जावे दादी जावे गट्टू जावे तो सारे हाँ सारे जान लग रहे कल्ले छोड़ता तो कल्ले तू कह मन घरे काम है का काम खोनी ना काम है चल चोखो बर्तन लग रहे गौरी ने घेरे आगे घर का लेने लग रही देखो बजा ले क्यों पड़ते कटन तो अभी अठू आसी दादी जी वो आ गए दादी जी रंग घर टेक चंद रंग घर और दादी जी बैठ जैसी फिर मैं अठू चलांगा अभी बैठ गया पीछे दादी जी मैं बैठा बिन्ने और बीच में मेरा भाभी जी है आठ चिंपली बैठी है और इन्हें मेरा मम्मी जी बैठे है और मेरा बड़ा भाई जी कार ड्राइव करने लग रहे और आगे बैठे अपने चिंपली भाई रजत गट्टू दांत खाई आया कौन है आगे कौन मिठाई तो आगे सचली कौन जद कौन मिठाई कदी इन्हें मुँह काट सी कदी इन्हें काट सी कदी साइड सिसा कने आगे सिर कर लेगी तन जका भी कौन आगे जद लारे पटकी है तने रजत हाल ही कौन चुपचाप बैठे रहे वो एकदम। तो जी कंटिन्यू रही हो ब्लॉग में और आगे दिखा सियाँ दर्शन करवा सियाँ थाने मंदिर जान लग रहा बिंज बैल है पहुंच गया पंप पर और अठू गलवान लग रहे हैं गाड़ी में तेल गाड़ी में तेल खत्म होने वाला है तो ये भाई गल लगा अभी गाड़ी में तेल अभी मैं पहुंच गया बिंज वाइला और अभी जान लग रहा मंदिर पर बिंज वाइला माता जी के मंदिर पर पहुंच गया मैं अभी और गाड़ियों नीचे उतरना उतर गया मम्मी जी दादी जी और चिंपली तो आगे ही रहे थे ठा और इन्हें देखो ले के चला था मंदिर में दर्शन करवाऊंगा माता जी का अगर अलाउ हो तो कैमरों अंदर थाने दर्शन जरूर करवाऊंगा और चलो बने रहो ब्लॉग में। इन्हें मंदिर में काम चलान लग रही है चौका वगैरह जगह लागे लग रही इन्हें आज इतनी भीड़ कोनी क्यों शायद दस्यों की भी मैं लगे थे धोख लग गए तो लोग दस्यों की भी धोख लगा के जावे
और आज 14 तो आज इतनी भीड़ को नहीं अठवा ताऊ जी को लेन लाग रहे हमें नारियल, दो नारियल लेना है और देखो तुम देखा वहाँ प्रसाद भी ले सी। तो वो मंदिर है जी अग्गीवान खेतपाल जी को, तो अठे मैं धोख लगा ली, मम्मी जी लगान लाग रही है, बब्बी जी, दादी जी और चिंपली, तो सारा धोख लगान लाग रहे है, ठीक है। और अभी चलेंगे अगले मंदिर में दिखा सा थाने। तो जी अभी भी मंदिर पर लगा ली धोख, और अठे की एक खासियत आए कि अठे जितना भी मंदिर है सारा कच्चा है, और बिन भी साइड में पक्का मंदिर है लेकिन धोख अठे ही लगे कच्चा मंदिर है। और वो मंदिर है उजली मावड़िया माता जी का मंदिर, और अठे धोख लगा सा, और पहला लगा लिया मम्मी जी धोख, फिर भी बाद में मैं लगा सू चिंपली धोख लगाएगी लगा सी। मैं दर्शन कर लिया और थे भी कर लियो उजली मावड़िया माता जी का, और चिंपली देखो घंटे के लटका लग रही है मंदिर के अंदर। तो जी अभी बैठे भी मंदिर पर लगा ली धोख, और वो मंदिर है राव सर खेतपाल जी को मंदिर, और अठे वो भी कच्चो है, तो सारा ही मंदिर अठे कच्चा है, तो अठे भी धोख लगा लिया। और फिर भी बाद में इलो मंदिर और है, तो वो भी दिखा सें थाने क्या हुआ है। और मैं अठे पहला बहुत साल पहला आए हूँ, कम 7-8 साल पहला आयो, और अभी दूसरी बार आया हूँ मंदिर पर मैं अठे, पहला तो उठाई को नहीं हूँ, तो बिल्कुल चिंपली जी ढोको मैं अपनी चिंपली अभी ठीक है बिनो छोटो ही हो, तो हाँ धोख लगा ली मैं भी लगा लूँ और थे भी दर्शन कर लियो। वो मंदिर है सावली मावड़ी दिराणा को, और अभी थाने दर्शन करवा से अंदर मम्मी जी बाबी जी भाई जी और बे लाग गया दर्शन करना, और अब मैं भी जाऊँ थाने भी करा सूँ और चिंपली भी गई अपनी। तो जी अभी आ गया अपन मंदिर के अंदर और थे भी दर्शन कर लियो मैं कर लिया, और इन्हें मम्मी जी और ये धोख लगाने लाग रहे, तो थे भी लगा लियो थाने लाइव दर्शन करवाने लाग रही हूँ, और हाँ ब्लॉग ने लाइक करियो। तो जी अभी आ मंदिर पर लगा ली धोख, और तीन मंदिर बैठे चार, तो वहाँ पर लगा ली मम्मी जी। अब ले हुए अठू पुजारी को तांती, तो वह तांती ले गए, फिर बिना और है मंदिर, तो बैठे भी जावांगा थाने बैठे भी दर्शन करवा सा। और सिंपली भूख लग गई नहीं थाने किया करे गाड़ी, तो अठे खाली पेट धोख लगाई खड़े, तो सिंपली ने आज सुबह की कौन खाई देखो किया पेट पकड़ी खड़ी है इन्हें देखी। तो ये पेट में यहाँ चूहा कूद है, तो धोख लगा के जल्दी सी की खुआश यहाँ, नहीं तो इनको जी निकलना हो रही है। तो जी वो मंदिर है बाबा रामदेव जी को अठे, पुराना मंदिर है, तो अठे धोख लगा ली। और अभी थाने एक बढ़िया सी चीज़ बतावांगा और कोशिश करांगा दिखावांगा भी अंदर अलाउ हो तो, और अठे ये मावड़ी दिराणांगा पक्का मंदिर बने रहे तीनू जिको आप कच्चा में धोख लगाई अठे, तो अठे हाँ मेलो देख लेंगे कोई नहीं। तो अठे की एक धोक अठे माता जी आई कौन करे मतलब अठे धोख लगावा, तो और ये वास्ते कच्चा में धोख आई हुआ है, तो धोख बैठे ही लग गए। तो चलो मैं थाने दिखाऊँ भी नया मंदिर जिका बने रहे, ठीक है। तो वो है मंदिर को गेट, मेन गेट अठे पक्का मंदिर है, लेकिन धोख कच्चा में आई हुआ है अठे पक्का में को नहीं हुए, तो बने रहो ब्लॉग में मैं थाने दिखा दूँ। देखो ये मंदिर भी वो खेतरपाल जी को मंदिर है अग्गीवान खेतरपाल जी को, जिको आप कच्चा मंदिर में पहले पो धोख लगाई मैं थाने बतायो, तो बंग है अठे पक्का मंदिर में बनी डी आंगी मूर्ति। और वो मंदिर है पक्का में अठे भैरू बाबा जी को मंदिर, आप भैरू बाबा जी की भी बैठे धोख लगाई, और इन्हें मैं थाने दिखाऊँ वो गणेश जी महाराज को मंदिर है अठे, तो थे भी दर्शन कर लियो। इन्हें उजली मावड़िया माता जी को मंदिर जिको आप कच्चा में धोख लगाई, तो धोख तो बैठे ही आई हो गई यहाँ अठे को माननो है, तो अठे भी थे माता जी के दर्शन कर लियो पक्का मंदिर में। इन्हें सावली मावड़िया मावड़ी माता जी को मंदिर है, तो अठे भी दर्शन कर लियो थे, और बैठे कच्चा में भी थाने करवाया, और आगे और चला आगे और भी है मंदिर काला बेरून जी, तो वो काला बेरून जी को मंदिर है, तो दर्शन कर लियो थे। तो वो थाने बैक कैमरा में दिखाऊं मैं पक्का मंदिर आऊंगा सीन। तो जी अभी थाने दर्शन करवाऊंगा शिवालय को मंदिर दिखा से शिव जी महाराज को, जठो जठे मारे तकियो बोले इन्हें, और अठे बहुत बड़ो है, मैं जूमिंग मार के दिखाऊं, तो अठे भी जा से मैं अंदर, ठीक है। तो
तो मम्मी जी और राजा सारा फिर कटे चलना दिखा के लिया थाने। तो जी अभी शिव जी महाराज का दर्शन करवावा थाने, ठीक है, और चिंपली बगा अपने सारों आगे, ठीक है, और इन्हें मैं दिखाऊं थाने। तो वो है शिवालय को मेन गेट है, ठीक है, और इन्हें पीछे बे मम्मी जी बाबी जी रामचंद्र भाई जी चिंपली, तो ठीक है, बे सारा गया अंदर, मैं रह गया पीछे, तो मैं जान लगी रहा हूँ और थाने भी दर्शन करवा सू, ठीक है, मैं हूँ, तो मैं हूँ चिमकांडी। तो अठे भी मतलब आज भीड़ को नहीं इतनी, तो भी अपने अपना मतलब देख अपने वीडियो पे मिले अपने कई लोग मिल गया अब तक, और बच्चा भी सारा बहुत सारा मिल गया, लार लार ही हो रहे है, और बिन्ने भी हो रहे हैं पीछे बच्चा ला रहे, तो बिन्ने तो मैं कैमरो चालू कौन करे डो जत्था ने दिखाया को नहीं। तो जी और देखो और मंदिर दर्शन करवाऊँ थाने, और लाइक जरूर करियो ब्लॉग ने, सागे सागे थाने भी दर्शन करवाने लाग रही हूँ, और कमेंट भी करियो, ठीक है, आगे पर ने बहुत मोटो है मंदिर। तो जी इन्हें देखो आठ है बावड़ी बनेड़ी है ये शिवालय के अंदर, और चलो दिखाऊँ मैं थाने वे सारा हाथ वगैरह धो गया वे, ठीक है, और मेरे पैर ही है जुराब को बे मन खोलनी पड़ सी। तो जी अब मैं बे कैमरा दिखाऊँ थाने, क्यों मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो फ्रंट कैमरा सामू आने कौन लाग रही हो, वाइड एंगल हो गया कौन, और बे कैमरा अभी शाहरुख की थाने एकदम क्लियर दिखेगा। देखो बहुत बड़ो मंदिर है ठाओ, जय हो, मैं तो आप पहली बार आया हूँ ठेक मंदिर, मैं छोटो सुन तो जद की याद को नहीं। तो देखो जी कितो बड़ो मंदिर है, और अठे ए नंदी है नंदी जी, और आगे कान में जो कुछ बोले नहीं तो वह मनोकामना पूरी हुए, तो अठे सुनी डी आई, तो अंति बाकी आप बोलेंगे, ठीक है, पहला ठीक है शिव जी महाराज का दर्शन कर गया वहाँ पर, तो दर्शन कर लियो थे। तो जी अभी मम्मी जी और करण लाग रहे दर्शन, मैं करिए सारों पहला क्योंकि मैं थाने, बाद में थाने भी करवा दूँ। तो वो देखो मंदिर के अंदर को सीन दिखाऊँ मैं थाने, ठीक है, तो ब्लॉग ने लाइक करियो, मैं थर वास्ते ब्लॉग बना लाग रही हूँ, ठीक है, और कमेंट भी कर कमेंट करके बताइयो भी इंजॉय को मंदिर थाने क्या लागो, और मावड़ी दिराणा उजली सावनी मावड़ी दिराणा, तो सारे देवताओं का अठा थाने दर्शन करवाया, तो ये वास्ते एक लाइक करना तो बने ही है, तो ब्लॉग ने लाइक जरूर करियो, और चिंपली देखो थे। तो जी देखो चिंपली भाई रजत कान में बोले, तो बोल बोल रजत, तो जी सारा आपको आपकी मनोकामना मतलब आपकी बात ही जिकी नंदी महाराज के कान में बोल दी, तो अब मैं ही बोलूं, ठीक है। तो जी अभी सारी चीजें धोख लगा ली कंप्लीट होगी, और वो प्रसाद है तो थे भी खा लियो, ठीक है, और क्या लगे ब्लॉग कमेंट करके बताइयो, और ब्लॉग ने लाइक करियो, और अपने चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लियो, और अभी तक ब्लॉग एंड कौन करा देखा कोई माड़ो मोटो मेड़ो घूम से, तो और बाकी भूख वगैरह लग रही है, सुबह भूखा ही चालिया करूँ। तो जी देखो ये भी अपन जाने अठे चलन लाग रही है लंगर, जिका दूर दराज लोग आवे तो वहाँ वास्ते प्रसाद है जिको वो अठे अपन देवे, तो बहुत बढ़िया काम करे अठे, काफ़ी दूर दूर में आवे लोग अठे दर्शन करने, अठू अब मैं निकलन लाग रहे, ठीक है, मंदिर मुँह अंदर धोख लगाई है, तो बैठे भी बहुत सारा लोग मिले, तो बंगो सारा आशीर्वाद मिलो सारा जाना, तो बहुत बढ़िया लागो, तो अठे भी ए ताऊ जी अंकल जी जितना भी है, तो ये बहुत मतलब मिले तो बहुत बढ़िया लगे, मिल गए ये भी सारा जाने, तो ये मन आज जानता देखा, तो मैंने तो जदगा वेट ही करने लाग रहा, देखने लाग रहा कभी टप्पन आ गया टप्पन आ गया, तो अडिकन लाग रहा, तो अंदर लाग गया मैंने टाइम, क्यों अंदर भी बहुत सारा मिले लोग, तो वे भी फोटो क्लिक वगैरह भी करवाने लाग रहा, तो ये डिक वगैरह बैठे तो बाया तो अंत ही कभी तो डिकन लाग रहा, तो फोटो हाँ सारा जा जाएगा सारे थे अभी मैं पूरा मंदिर में अठे धोख लगा ली, और
अठे बहुत ज़्यादा दर्शक आंगो, आशीर्वाद भी मिलियो, प्यार भी मिलियो और मांगो सारांगो बहुत बहुत धन्यवाद जिको मैं मिलियो। और अठान ती मतलब आज इतनी भीड़ को नहीं, फिर भी मतलब जितना भी लोग आया सारा जाना, तो आज चीज़ बहुत बढ़िया लगी क्योंकि जठे भी जावा तो लोगों को प्यार मिले, लोग जाने बैठे तो बहुत बढ़िया लगे। तो थारो आशीर्वाद यही बना के रखियो और बने रहियो उस टाइम ब्लॉग में, घरे जावांगा तो वो और दिखा सियाँ और थोड़ा बहुत नाश्तो पानी भी कर सियाँ तई। तो जी अठे मतलब ओ जी को बिंज बैलो है तो वो मारो पुरानो काम है। तो जी अब आ गया घरे और बैठे बिंज बैल है, मन कई बुजुर्ग भी मिलिया और बन जी यही ठा लागो कि वो मेरे बाप दादा को पुरानो गांव है, तो बन बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मेरे दादाजी को नाम बतायो वहाँ रामस्वरूप जी कुमार, और मेरे परदादा को भी नाम बता दियो वहाँ रूप राम जी कुमार, और मेरे सरदादा को भी नाम बता दियो मोती राम जी कुमार। तो मन बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बन भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि देखो हमारे गाँव को नाम भी रोशन हो कैसा कैसा गया, मतलब कहते बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हो, वो थारो ही गाँव है। तो बांगो भी बहुत बहुत धन्यवाद और मन भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं मतलब आज 10 से 1 सालों में बिंज वाई लग गया हूँ बिया, तो और पहला गेड़ो मैं छोटो सो मतलब मन कोई समझ को नहीं, मैं धोख मार नहीं गयो। तो जी आज को ब्लॉग थाने किया लागो कमेंट करके जरूर बताना है और ब्लॉग ने लाइक भी करियो। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हुई हूँ, मैं पिछले गाँव गयो और बहुत सारा लोगों मिलियो बैठे और आपको आशीर्वाद भी दियो, मन का बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हो। और भी बहुत सारा लोग मिले जिका जाना तो बहुत खुशी हुई। और थे ब्लॉग ने लाइक करियो, कमेंट करके बताइयो किसों को लागियो और अपने चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लियो। तो जय राम जी की साह ब्लॉग करा एंड।